सांसद जी, एक बड़ा चैलेंज था, किस प्रकार से आपने स्वीकार किया और कितना इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद उज्जैन के विकास को लेकर राशि मिली? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा भी है फिट इंडिया, और अभी 6 महीने पहले माननीय हमारे परिवहन मंत्री उज्जैन आए थे नेशनल हाईवे का शिलान्यास करने। तब मेरा वजन लगभग 130 के लगभग था केजी। तब मैंने उनसे कोई मंच में डिमांड करी थी तो उन्होंने कहा था कि सांसद जी, अगर आप 1 किलो वजन कम करेंगे तो मैं आपके उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए पर किलो पे 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए दूंगा। तो मोदी जी कहते ही हैं कि अवसर को पकड़ो, अवसर को ढूंढो, आपदा को अवसर में बदलो। और यह आपदा तो नहीं थी लेकिन अवसर था, तो मैंने उस अवसर को पकड़ा और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए लगभग 32 किलो मैंने वजन कम करा है। और मैं जब अभी गडकरी साहब से मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया, तो बड़े खुश हुए कि कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा सर। तो उन्होंने मेरे रूपवे की जो डिमांड करी थी, उन्होंने 209 करोड़, तो तुरंत उन्होंने राशि स्वीकार कर ली। और नेशनल हाईवे जो जावरा से नागदा उज्जैन होते हुए पीतमपुर, वो लगभग 2200 करोड़ का है, तो उन्होंने आदेशित कर दिया है कि उसके DPR बना के लाओ, मौखिक स्वीकृति दे दी है, बहुत जल्दी DPR बन के उसका भी वो फंड रिलीज कर रहे हैं। और उज्जैन से आगर रोड की हमारी डिमांड थी, तो घोसला से उज्जैन से घोसला तो बन गई है, पर घोसला से आगर 25 किलोमीटर का रोड पर दिक्कत आ रही थी। उसको जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सांसद जी की डिमांड, इसको भी करो। तो वो भी एक हमको सौगात, लगभग 2300 करोड़ की सौगात तो हमने तुरंत ही दी है। और भी उन्होंने कहा है कि जो भी प्रपोजल आएंगे उसको हम देंगे। तो मैं ये मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्वर्णिम विकास तो हो ही रहा है, लेकिन मोदी जी की कृपा हमारे उज्जैन में भी है और उन्होंने भी हमें बिगर मांगे कई सौगातें दी हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, गडकरी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।